सुप्रभात, जय हिंद ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी गुड वर्क। यस बच्चों, आप लोग अपनी योगा की क्लास, डांस की क्लास प्रॉपर ले रहे हैं? एंजॉय करते हैं आप लोग उस क्लास में? आपको अच्छा लगता है ना, गेम्स का पीरियड आपको अच्छा लगता है, डांस करना आपको अच्छा लगता है, तो आई होप आप सारी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा डांस सीख रहे होंगे, योगा भी सीख रहे होंगे। योगा करने से क्या होता है, आपकी बॉडी फिट रहती है, मजबूत रहती है और एक्टिव रहती है। यस, क्योंकि आजकल आप लोग घर में हो तो बाहर जाना होता नहीं है, वॉकिंग इतनी होती नहीं है, लेकिन अगर आप योगा क्लास अटेंड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी। एंड डांस से भी ऐसा ही होता है, हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और उससे हमारी बॉडी फिट भी रहती है। तो आप लोग आई होप डांस की क्लास भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, योगा की क्लास भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और ऑल जो स्टडीज क्लास है वो भी सारी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यस, सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? यस, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग बहुत घर पे। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, आप लोगों को पढ़ाई भी करनी चाहिए और आप सब लोग पढ़ भी रहे होंगे घर पे। यस, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, आज का सुविचार है कि तुम पानी जैसे बनो। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो, जैसे कि आप दूसरों का रास्ता खुद रोक लो। आप पानी जैसे बनो क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। दैट मीन्स कि आपको पानी जैसा बनना है, पानी जैसा मतलब ऐसा बनना है आपको कि आपको अपना रास्ता खुद निकालना है। अब कैसे निकालना है, पढ़ के निकालना है, मेहनत करके निकालना है, तो ऐसे बनो आप कि आप अपना रास्ता खुद बना सको। आपको ऐसा नहीं बनना कि आप दूसरे की राह में रोड़ा बन जाओ, पत्थर बन जाओ, उसकी कामयाबी में आप जो है एक पत्थर की तरह आगे आगे खड़े हो जाओ, ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ इंसान बनना है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं। ओके, सो नाउ आई विल राइट डाउन द डेट एंड डे। व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 21 ऑफ अगस्त 2020 और दिन है आज हमारा शुक्रवार। ओके, और जो मैं आज आपको कराऊंगी ये है आपका गृह कार्य। ओके, और आज का आपका टॉपिक क्या है? अपठित ज्ञान। जो मैंने आपको कल टॉपिक कराया था अपठित गद्यांश, यानी कि वो एक ऐसा गद्यांश जो आपकी बुक का, आपकी नोटबुक का नहीं है, पैराग्राफ या जो भी स्टोरी है वो आपकी बुक से या आपकी नोटबुक से नहीं ली गई है, मैम ने अपने पास से दी है। आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और फिर उसमें से मैं जो भी क्वेश्चन दूंगी वो आपको करने है। ठीक है, आज मैं आपको आंसर्स नहीं कराऊंगी, आंसर आपको खुद करने है और जो उसके आंसर शीट होगी वो मैं 1 बजे दोपहर को भेज दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल राइट डाउन द स्टोरी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
हमारा गद्यांश क्या है? गर्मी के दिनों में मौसा जी और मौसी जी हमारे घर रहने के लिए आए थे। कौन आए थे? गर्मी के दिनों में मौसा जी और मौसी जी हमारे घर रहने के लिए आए थे। उनकी बेटी का नाम कविता तथा बेटे का नाम सौरभ था। ओके, वह बहुत शरारती थे। कौन थे बहुत शरारती? सौरभ और कविता बहुत शरारती थे। हमारी कामवाली का नाम गौरी था। क्या था कामवाली का नाम? गौरी। ओके, वह सबके लिए चाय लेकर आई। क्या लेकर आई थी वह सबके लिए? जब घर में मेहमान आते हैं तो क्या बनती है? चाय लाते हैं ना। वह सबके लिए चाय लेकर आई। एक दिन अचानक बरसात होने से मौसम बहुत सुहावना हो गया था। एक दिन बरसात होने से मौसम बहुत सुहावना हो गया था। ओके, हो जाता है ना, बस आपके दिन चल रहे अच्छा हो जाता है ना मौसम। और मैं और मेरी बहन सलोनी, कविता और सौरभ एक साथ छत पर खेलने गए। मैं और मेरी बहन सलोनी, कविता और सौरभ एक साथ छत पर खेलने गए। हम सबने बरसात का बहुत मजा लिया। हम सबने बरसात का बहुत मजा लिया। शाम को पिताजी हम सबके लिए कचौड़ी लाए।
शाम को पिताजी हम सबके लिए कचौड़ी और क्या लाए, कचौड़ी के साथ समोसे, कचौड़ी और समोसे लाए। मेरी बहन को कचौड़ी बहुत पसंद थी। वह अपनी कचौड़ी सबसे अंत में खाती थी। वह अपनी कचौड़ी सबसे अंत में ओके। क्या है हमारी स्टोरी, अगेन हम पढ़ते हैं। गर्मी के दिनों में मौसा जी और मौसी जी हमारे घर रहने के लिए आए थे। जब गर्मियां थी तो गर्मियों में गेस्ट आते हैं ना घर पे रहने के लिए, बुआ आती है, मौसी आती है, ये कोई और भी रिश्तेदार आते हैं, हम भी जाते हैं रहने के लिए। तो ऐसे ही जो ये कहानी सुना रहा है, सुना रही है, वो क्या करी है कि गर्मी के दिनों में मौसा जी और मौसी जी मेरे घर रहने के लिए आए थे। उनकी बेटी का नाम कविता तथा बेटे का नाम सौरभ था। क्या नाम था उनकी बेटी का? कविता। और बेटे का नाम था सौरभ। वे बहुत शरारती थे। कौन थे बहुत शरारती? सौरभ और कविता बहुत शरारती थे। हमारी कामवाली का नाम गौरी था। जो कामवाली उनके घर में काम करती थी उसका क्या नाम था? गौरी था। वह सबके लिए चाय लेकर आई। क्या लेकर आई थी गौरी सबके लिए? चाय लेकर आई। जब गेस्ट आते हैं घर पे तो हम उन्हें चाय नाश्ता कराते हैं, तो ऐसे ही इनकी जो काम वाली थी वो क्या लेके आई सबके लिए? वो सबके लिए चाय लेके आई। एक दिन बरसात होने से मौसम बहुत सुहावना हो गया था। बरसात के दिनों में अक्सर मौसम सुहावना ही रहता है, तो ऐसे जब एक दिन अचानक से बरसात हुई गर्मियों के दिनों में तो मौसम बहुत ही सुहावना हो गया, कूल हो गया, ठंडा हो गया। मेरी बहन सलोनी और जो बुआ, जो हमारे मौसा मौसी जी के बच्चे थे कविता और सौरभ, वो तीनों चारों बच्चे ये एक साथ कहाँ गए? छत पर गए खेलने के लिए। हम सब ने बरसात का बहुत मजा लिया। सब लोगों ने बरसात में नहाए होंगे या फिर जो छत पे पानी भरा होगा उसमें खेले होंगे, तो उन लोगों ने बरसात का बहुत मजा लिया। शाम को पिताजी हम सब के लिए कचौड़ी और समोसे ले आए। शाम को जब पिताजी अपने ऑफिस से लौट रहे थे तो वो क्या लाए सबके खाने के लिए? सबके खाने के लिए वो समोसे ले आए और साथ में कचौड़ी भी ले आए। मेरी बहन को कचौड़ी बहुत पसंद थी। पिताजी को पता था कि उनकी बेटी को कचौड़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो कचौड़ी भी जरूर लाए। तो मेरी बहन को कचौड़ी बहुत पसंद थी। उसकी बहन को कचौड़ी बहुत पसंद थी। वह अपनी कचौड़ी सबसे अंत में खाती थी। जब सब खा लेते थे तो उसके बाद सबसे लास्ट में वो अपनी कचौड़ी खाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना। पहले इसको कॉपी में राइट डाउन करना, कॉपी में लिखना अपनी, और उसके बाद इसको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना। इसी जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी वो इसी पैराग्राफ में से, इसी स्मॉल स्टोरी में से होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई विल राइट डाउन द क्वेश्चंस फ्रेश ए।
सा जी। और मौसी जी की बेटी का क्या नाम था? क्या नाम था मौसा जी और मौसी जी की बेटी का? आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, प्रश्न दो। काम वाली क्या लेकर आई? तो मेहमान आते हैं तो क्या बनता है, क्या लेके आई थी उनकी काम वाली? आप इसको पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ओके, पिताजी शाम को सबके लिए क्या क्या लेकर आए? क्या क्या लेकर आए थे पिताजी सबके लिए शाम को? क्या है हमारे रिक्त स्थान? हम सबने काम बहुत मजा लिया। हम सबने डैश का बहुत मजा लिया। आपको पता है कि हम सबने किसका मजा लिया था? जब वो लोग छत पे गए थे तो उन लोगों ने किसका मजा लिया था, कौन से मौसम का मजा लिया था? मेरी बहन को बहुत पसंद थी। क्या पसंद था उसकी बहन को बहुत ज्यादा? क्या खाना अच्छा लगता था उसको बहुत? किसको वो सबसे अंत में खाती थी? सबके खाने के बाद खाती थी। ओके, प्रश्न पांच। लिंग बदल कर मौसा और उसका है बेटा। इनके आप लिंग बदल के लिख सकते हैं ना, इनके आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। मौसा जी और मौसी जी की बेटी का क्या नाम था? आप सब लोगों को पता है कि मौसा जी और मौसी जी की बेटी का नाम क्या था? अभी आपने ये स्टोरी जो है सुनी भी है और अपनी कॉपी में लिखी भी है ना, तो अब आपको पता है ना इसमें क्या है, वही आंसर इसमें लिखा जाएगा। काम वाली क्या लेकर आई? क्या लेकर आई थी काम वाली? आपको ये आंसर वन वर्ड में लिखने हैं। ओके, पिताजी शाम को सबके लिए क्या क्या लेकर आए? क्या क्या खाया था उन्होंने शाम को सबने? आप ये सब कुछ अपने पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। रिक्त स्थान भरिए। हम सबने बहुत मजा लिया। किसका लिया था बहुत मजा? आप इसको भी पैराग्राफ में ढूंढिए, ये भी मिलेगा आपको। मेरी बहन को बहुत पसंद थी। क्या खाना उसकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद था? लिंग बदलकर लिखिए। मौसा का
बेटा का। तो ये आपको सब कुछ पैराग्राफ में से ही ढूंढना है और लिखना है, ओके। इसके आंसर शीट में आपको कितने बजे इवनिंग और सॉरी नून टाइम में आपको सेंड कर दूंगी, ओके।